अपने हुनर से म्यूजिक को नई पहचान देने वाली विद्या न केवल इंडिया में फेमस है बल्कि पश्चिमी देशों में भी उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं। विद्या ने न सिर्फ इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक को एक नई पहचान दिलाई है बल्कि बहुत कम समय में वेस्टर्न कंट्रीज में भी अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। पर क्या दोस्तों आप जानते हो उन्हें किसने मोटिवेट किया यह सब करने के लिए? तो चलिए दोस्तों विद्या की लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है 26 सितंबर 1990 से, जब चेन्नई के तमिलनाडु में विद्या अय्यर का जन्म हुआ। विद्या अय्यर ने अपनी शुरुआती शिक्षा जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी USA से प्राप्त की। विद्या अय्यर को शुरुआत से ही म्यूजिक में काफी दिलचस्पी थी। जब वह 5 साल की हुई तो उनकी म्यूजिक ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई और DK नागराजन जी ने उनकी म्यूजिक सीखने में हेल्प की। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो वह अपनी बहन वंदना को YouTube चैनल पर गाते हुए देखा करती थी और यहीं से उनके मन में भी कुछ ऐसा करने की इच्छा जागी। उन्होंने भी अपनी बहन वंदना के साथ शंकर टकर के YouTube चैनल पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। यहाँ से विद्या अय्यर लोगों की नजरों में आने लगी और लंबे समय तक उन्होंने अपनी बहन के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने 23 अप्रैल 2015 को अपना खुद का YouTube चैनल बनाया जिसका नाम विद्या वॉक्स रखा गया। उसमें उन्होंने बिग गर्ल्स क्राई, कभी जो बादल बरसे मैशअप वीडियो अपलोड करने स्टार्ट कर दिए। उनकी YouTube वीडियोस दिन पर दिन पॉपुलर होती गई और यह वीडियोस न सिर्फ भारत में पॉपुलर हुई बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी इन वीडियोस को बहुत पसंद किया गया। अब विद्या वॉक्स चैनल फेमस हो चुका था और विद्या को लोग एक सिंगर के तौर पर जानने लगे थे। उनकी इन वीडियोस की सराहना शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार्स ने भी की है। अब विद्या का कॉन्फिडेंस मानो आसमान छूने लगा। उसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक एल्बम निकाली जिसमें कोल्ड वाटर, लेट मी लव यू, क्लोजर, ब्लैंक स्पेस, शेप ऑफ यू, लीन ऑन और बहुत सारी। अब तक वह कुल 41 एल्बम रिलीज कर चुकी हैं। विद्या ने व्हाइट हाउस, नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वेबस्टर हॉल, दुबई, नीदरलैंड और बहुत सारे देशों में भी परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। विद्या के यूट्यूब चैनल पर अब तक 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 400 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। दोस्तों विद्या आज भी कहती हैं कि वह अपने आप को कभी एक स्टार नहीं समझती और वह बस अपने आप को एक अच्छा इंसान मानती हैं। तो दोस्तों यह कहानी थी हमारी प्यारी मैशअप सुपरस्टार विद्या अय्यर की। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं आपको विद्या अय्यर कैसी लगती हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।